ओके वैसे तो अभी ना नेक्स्ट दिन है, हम लोग लेक्चर खत्म करके फिर से हम लोग पीजी देखना है, तो चलो देखते हैं अभी पीजी। मतलब हम तीन जना है, मित उदित है और ये आंटी का जो घर है उनके पास जा रहे हैं हम लोग, तो चलो चलते अभी देखते हैं घर। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. ये तो बहुत अच्छा है भाई, यहाँ पे बैठे बैठे मैं बड़ा ही कर सकता हूँ, यहाँ पर बैठे बैठे बहुत अच्छा है। मिल गया नहीं वाला तो बहुत अच्छी बात है भाई। रूम तो ऐसे तो अच्छा है लेकिन बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर। ये देखो एकदम गार्डन भी है, छोटा सा झूला भी है, झूले में बैठे बैठे हम लोग वीडियो बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, देखेंगे अभी। मतलब घर का मेरा कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा, कोई भी जगह घर नहीं मिल रहा। ये बहुत ही अच्छी जगह है। मैं उदित मीत है, दीपू है हमारे साथ और फिर एक दो जने आएंगे तो ले लेंगे भाई। मीत और उदित फाइनली कर देने वाले पीजी का, क्योंकि भाई बहुत अच्छी पीजी है ये वाली। तो मेरे को घर पे भी जाऊंगा वैकेशन में तब बात कर ही लेनी पड़ेगी भाई, ये पीजी में मेरे को जाना है और गाड़ी के लिए भी बात करनी पड़ेगी। ये दोनों चीज़ मेरे को चाहिए। जो गाड़ी एक बार आ जाए ना गाड़ी, तो मैं कंटेंट का मतलब ऐसे समझो वीकली मैं 2 से 3 व्लॉग एडिट करके डाल सकता हूँ गाड़ी आ जाए तो। मेरे को यहाँ गाड़ी नहीं मिलती हॉस्टल में, इसलिए मेरे को सब ऐसे मतलब कम कंटेंट मिलता है, मिल जाता है लेकिन कम मिलता है। तो फिर गाड़ी आ जाए एक बार तो मैं मतलब आनंद विद्यानगर का चप्पा मतलब सब देख लेंगे, सब कुछ एक्सप्लोर कर लेंगे, सब बहुत सारे प्लान है। गाड़ी आ जाए तो प्लान ही प्लान है से समझो। तो देखेंगे पीजी मेरे को पसंद आ गई भाई, बहुत अच्छी है। ऐसी चीज़ हो देखो, ऐसी चीज हो जिंदगी में तो और क्या चाहिए। मजा आ गई एक्चुअल मस्त मजा आ गई। घर जैसी वाइब भाव, एकदम घर जैसी वाइब आ रही थी कसम से, बहुत अच्छी। अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल और अभी बहुत ज्यादा लोड आ गया, एजेडी शीट बनानी है। अरे बदल लोड खाली थे क्या घर जाए जीसी करके हम लोगों को, मतलब मेरे को शीट कंप्लीट करनी पड़ी। ग्लास कॉपी बोल ग्लास, अरे सब कुछ पता है जो इंजीनियर ही देख रहे हैं सब। तो जीसी करके सबको नहीं पता होता, तेरे को पता है? आज पता चले मेरे को। हां जीसी तो जीसी करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलो अभी चलते हैं हॉस्टल। I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain. मतलब हम लोग पीजी पे आ गए, अरे हॉस्टल पे आ गए। मतलब पीजी इतनी अच्छी लगी कि मतलब पीजी पे आ गए ऐसा बोल रहे हम लोग। तो मतलब देख रहे अभी कैसे करके, कैसे भी करके मेरे को घर पे बोलना पड़ेगा कि हम लोग कैसे पीजी में। मैंने फोटोज वोटो सब कुछ सेंड तो किए घर पे, लेकिन अभी डील आ गया है वो पीजी पे, तो मतलब जाना तो है ही, कुछ भी करके वो पीजी में मेरे को जाना कैसे भी करके। बस मतलब यार क्या मतलब ऐसे समझ लो मेरे घर जैसी वाइब्स आ रही है भाई, वो हॉस्टल में कॉलेज अरे पीजी में क्या करे भाई। भाई देख मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे जाएंगे ना जिंदगी सेट हो जाएगी भाई, घर जैसी वाइब आती है, ऊपर से बाप बहुत स्वीट है। हाँ वो जो बात है ना दादी आंटी भी बोल सकते हैं, आंटी नहीं दादी, वो दादी से बहुत स्वीट है। मतलब ऐसा बोल रहे थे आप लोगों को खाना वाना बनाना हो वो भी बना सकते हो, गैस भी यूज कर सकते हो। 2500 में हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी बिल और सब कुछ उसके अंदर ही है। खाने के अलावा कोई टेंशन नहीं है। और हम लोग मतलब दीदी में जाने के इसलिए ही सोच रहे थे कि भाई ओके मतलब देखो पहली बात तो ये कि हम लोग महीने में 10 या 15 दिन तो हम लोग घर पे ही रहते और उसके पैसे यहाँ पर हम लोग ऐसे ही देते, उससे अच्छा हम लोग पीजी में शिफ्ट हो जाए वही अच्छी बात है। खाने के पैसे बच जाएंगे। हाँ खाने के एक जगह से कहाँ से बचे वो तो देखना ही पड़ेगा ना, इसलिए पीजी में जाना चाहते हैं। साल का 80,000 भरते हैं लेकिन वहाँ पीजी का टोटल करते हैं ना तो 30,000 में साल निकल जाते हैं। हाँ इसलिए मतलब हम लोग एक तरह से पीजी में जाए तो बेनिफिट भी है और हॉस्टल में रहे तो अच्छा ही है कि भाई पीजी में हो जाए सिर्फ। तो देखेंगे भाई वो सब बेहतर तेल लेना वाइब्स
वाइब्स की तो बात है भाई। भाई मैं तो ये मीत और उदित तो वो दादी के साथ बात कर रहे थे, मैं तो जाके गार्डन में बैठ गया शांति से। क्या तू क्या मैं सोचा क्या कर रहा है, मजे लेने आया है क्या? मैं तो ऐसे 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 शांति से ऐसे झूले में दूर से देखा ना मैंने हैरी को बोला कैमरा चालू कर तेरा व्लॉग बनाना शुरू कर भाई। मैंने दूर से देख के बोल दिया क्या मस्त घर है भाई। कसम से मैं 4 साल यहाँ पर ही गुजार लू ऐसे कैसे, मेरे को ऐसा है रिपीट करना ना तभी प्रॉब्लम नहीं है। फेल हो जाओ जान मुझके। बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है। और अभी रिनोवेशन भी चल रहा है वो घर में, तो बहुत सही है। मैंने तो बस गार्डन का ही ब्लॉग बनाया है और रूम वूम जाए भाड़ में, सब कुछ जाए भाड़ में, बस गार्डन पे दिला भाई। हमारा हम जब जा रहे हैं तभी रिनोवेशन हो रहा है, मतलब हमें ना काफी अच्छे रूम मिलेंगे, एकदम क्लीन वाले, एकदम अच्छे। और मैं तो रूम में तो रहने ही नहीं वाला, गार्डन में ही रहने वाला हूँ। हैरी सोएगा भी गार्डन में, खाएगा भी। मेरा घर पे ही ऐसा है, ऐसे मतलब ऐसे बैकयार्ड जैसा है, तो मैं वहाँ पर ही रहता हूँ पूरे दिन। जब भी घर पे जाता हूँ तो ये लोग स्नैप भी देखते हैं, ये लोग पूरा दिन गार्डन का स्नैप देखता है। हाँ तो इसलिए मेरे को ओके। तो अभी हमारा फ्री टाइम चल रहा है तो मतलब ये भाई साहब अभी ईजीडी का कंप्लीट कर रहे और हम दोनों का कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी हम लोग मस्ती करें। कल अभी 3 दिन छुट्टी है, तो अभी सोचा ब्रेक ले थोड़ा, बहुत असाइनमेंट सब बहुत सबमिशन हो गया है, तो बस अभी थोड़ा टाइम लैप्स देखो। तो यहाँ पे फाइट चल रही है, तो चलो लेट्स गो। Get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Chal. Hey, gaadi start kar. Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.